गायबों की जहर तस्करी के मामले में यूट्यूबर अल्बेश यादव को आज जिला अदालत से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 50,000 रुपए के 2 पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी। पहले हड़ताल के चलते 3 बार उसकी सुनवाई टल चुकी थी। सोमवार से ही अल्बेश की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल रही थी। अधिवक्ता दीपक भाटी ने बताया कि आज जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। बुधवार को न्यायिक हिरासत में लिए जाने के बाद अल्बेश को कोर्ट में पेश किया गया था। बेल पर सुनवाई हुई थी, ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, उनको जमानत मिल गई है ऑनरेबल कोर्ट से। 50,000 की 2 श्योरिटी पर जमानती दाखिल कर दिए जाएंगे और रिलीज हो। सर कब तक उम्मीद करेंगे वो जेल से बाहर आ जाएंगे? देखिए अभी हमें प्रोसीडिंग करने तो जमानती भरने की, जितना भी जल्दी होगा आ जाएगा। सर परवाना वगैरह आपने क्या आर्गुमेंट दिया था उनको, क्यों बेल मिलना चाहिए? आर्गुमेंट हमारा यही था कि झूठा फंसाया गया है, उससे कोई सब्सटेंस बरामद नहीं था NDPS एक्ट का, और जो पूर्व में जिससे बरामद था राहुल से, उसको बेल पूर्ण ऑनरेबल कोर्ट से मिल चुकी है। ये कब निकलेंगे जेल से बाहर? देखिए अभी हमें प्रोसीडिंग पूरी हो जाए, कोर्ट की बेल के बाद और प्रोसीडिंग्स होती हैं ऑनरेबल कोर्ट की, उसमें जमानतियों को हम श्योरिटी जो दाखिल करेंगे, उसके बाद रिलीज ऑर्डर कोर्ट से जाएगा, उसकी हम तैयारी करते हैं। सर उसके 2 दोस्त जो उनके भी बेल होगी, उनकी बेल होगी, परवाना वगैरह कितने के बॉन्ड भरे उनके भी 50,000। बता दें पुलिस ने अल्बेश को रविवार 17 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, इसके बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सांप के जहर की तस्करी के मामले में ये कार्रवाई की थी। पिछले साल नोएडा पुलिस ने सेक्टर 49 में FIR दर्ज की थी।